हम इंसान पिछले कई हजार सालों से धरती पर रह रहे हैं और इन हजारों सालों में हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है। हमने बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स को झेला है और उनको सरवाइव करके आगे भी बढ़े हैं, पर फिर भी हमारे द्वारा नेचर के प्रति किए जा रहे डिस्ट्रक्शन को लेकर वैज्ञानिक इतनी चिंता में रहते हैं कि सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट में से एक सर स्टीफन हॉकिंग ने भी यही प्रिडिक्शन किया था कि अगर इंसानों ने अगले 100 सालों के अंदर किसी और ग्रह को नहीं खोजा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी मानव सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आए दिन कोई ना कोई वैज्ञानिक मुंह उठा के इस बात का दावा कर देता है कि ह्यूमैनिटी अगले 100 से 1000 साल के बीच में हमेशा हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाएगी। पर इतनी मनहूसियत के बीच में चलो मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, और खुशखबरी ये है कि मानव सभ्यता सिर्फ सोलर सिस्टम का ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का एंड अपनी आंखों से विटनेस करेगी, और शायद इस यूनिवर्स के खत्म होने के बाद मल्टीवर्स के किसी कोने में भी जाकर रहना शुरू कर देगी। अब ये बातें सिर्फ हवाबाजी की नहीं है बल्कि ये सभी चीजें एक्चुअल में संभव है, पर ये किस टाइम पीरियड में कैसे संभव होगा और आप उस समय का हिस्सा कैसे बन पाएंगे, इसी के बारे में जानने के लिए हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, भविष्य में जाने से पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी हम लोग पूरे ब्रह्मांड में जिस ग्रह को सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं वो बेशक हमारी पृथ्वी है, क्योंकि आज के समय में जिंदा मौजूद हर एक इंसान या तो धरती पर रह रहा है या धरती के पास बने स्पेस स्टेशन में। पिछले 6 मिलियन सालों में हम लोगों ने जिस तरह से अपना समय इस ग्रह पर काटा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस वजह से हमारे लिए इस जगह को सेफ महसूस करना लाजमी भी है। मगर इन सभी चीजों के बावजूद दो ऐसे खतरे हैं जिनसे हम हमेशा मौत के साए में घिरे रहते हैं। अब पहला तो ऑब्वियसली अंतरिक्ष में मौजूद किसी उल्का पिंड के टकराव का खतरा, और दूसरा ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करवाने वाले सूर्य से निकलने वाले किसी खतरनाक सोलर स्टॉर्म की आशंका, जो धरती को बंजर बनाने की काबिलियत रखता है। अब अगर हम धरती और प्रकृति को इज्जत से रखें और उसको एक्सप्लॉइट ना करें तो इन दोनों खतरों से बचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने एस्ट्रॉइड्स को डिफ्लेक्ट करना सीख लिया है, बहुत जल्द अगले स्टेजेस में हम बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से डील करना भी सीख लेंगे, जिसमें हमें मुश्किल से 40 या 50 सालों का ही समय लगने वाला है, और उसके बाद एस्ट्रॉइड थ्रेट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रही बात सूरज से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स की, तो सन शील्ड्स जैसे हाइपोथेटिकल कॉस्मिक इक्विपमेंट्स का बनना इम्पॉसिबल नहीं है। रेफरेंस के तौर पर अगर आज हम लोगों ने किसी ऐसी सन शील्ड पर काम करना शुरू कर दिया जिसे स्पेस में इंस्टॉल करने के बाद वो किसी सोलर स्टॉर्म को डिटेक्ट करके पृथ्वी के उस हिस्से को ढक ले और सोलर सिस्टम के इम्पैक्ट को रिजेक्ट करने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, तो ना सिर्फ हम इस खतरे से भी मुक्त हो जाएंगे बल्कि नेचर को बचाते हुए ग्रीन एनर्जी का एक और सोर्स मिलेगा, वो अलग। अब अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सही हो जाएंगे, तो हमारा ग्रह आने वाले 1 अरब सालों तक इंसानों को आराम से रख सकता है। पर लेकिन 1 अरब साल के बाद क्या? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज समय के साथ साथ धीरे धीरे फैलता जा रहा है। न्यूमेरिकली कहे तो हर 100 मिलियन सालों में हमारा सूरज करीब 1% एक्सपैंड करता है, जिसका मतलब 1 अरब सालों में इसका आकार 10% तक बढ़ जाएगा। हमारा सूर्य जितना बड़ा है उस साइज के हिसाब से 10% आकार बढ़ जाना ना सिर्फ धरती को सूरज के और करीब ले आएगा बल्कि इसी प्रॉक्सिमिटी की वजह से पृथ्वी पहले से ज्यादा सनलाइट और हीट भी रिसीव करेगी, जो हमारे ग्रह का तापमान बढ़ा करके 350 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर देगा। अब इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि 350 डिग्री सेल्सियस पर अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाली कोई भी चीज स्टेबल नहीं रह पाएगी, फिर चाहे पानी ही क्यों ना हो। मगर एक सच्चाई ये भी है कि सूर्य के बड़े होने की वजह से एक्सटेंड हो जाएगा हमारे सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर किसी स्टार की हीट और लाइट किसी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करवाने जितनी सफिशिएंट मात्रा में पड़ती है। अब भले ही हम इंसान धरती को खो देंगे, लेकिन 1 अरब साल हमारी करंट ग्रोथ को देखते हुए एक अच्छा खासा समय है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मंगल ग्रह पर शिफ्ट करने के लिए। ऊपर से हमारे द्वारा सिंथेसाइज की गई वाटर सप्लाई को एक एडवांटेज तब और मिल जाएगा जब बढ़ते तापमान की वजह से मंगल ग्रह पर मौजूद आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे,
जो वैसे तो पृथ्वी के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 6-27% के बीच में ही मौजूद है, मगर चूंकि ये पानी मोस्ट प्रोबेबली 100% फ्रेश वाटर हो सकता है, इसलिए ड्रिंकिंग कैपेसिटी के मामले में इतना पानी धरती के मुकाबले आंकड़ों में ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब इन केस आगे आने वाले सालों में सूरज और फैला, जो कि वो फैलेगा ही, और उसने मंगल ग्रह को भी इनहैबिटेबल बना दिया, फिर भी हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी। भले ही हम लोग जुपिटर और सैटर्न में नहीं जा सकेंगे क्योंकि वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है और वहां कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन इन दोनों ग्रहों के मून्स इस मामले में बहुत काम के हैं। जुपिटर का मून यूरोपा एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जहां धरती से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है, और अगले 700 से 800 मिलियन सालों में अगर यूरोपा भी किसी काम का नहीं रहा तो हम लोग सैटर्न के मून टाइटन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका एटमॉस्फेयर धरती से काफी ज्यादा मेल खाता है। अब कुल मिलाकर एक अंदाजे के तौर पर हमारा सूरज अगले 4.5 अरब सालों तक इसी तरह जलता रहेगा, मगर हम फिर भी मैक्सिमम यही मानते हैं कि मानव जाति टाइटन पर आज से 4 अरब साल बाद तक ही रिस्क फ्री रह सकेगी। मगर इसके बाद क्या? हमें याद है हमने कहा था कि हम इंसान यूनिवर्स के एंड तक जिंदा रहेंगे, और यूनिवर्स तो 4 अरब सालों से बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, तो क्या इसके सोल्यूशन के तौर पर हमें किसी और स्टार के आसपास शिफ्ट होना पड़ेगा? वेल, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। देखो, यूनिवर्स में स्टार्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और किसी स्टार के टाइप और साइज पर ये बहुत हैवीली डिपेंड करता है कि वो कितने साल तक एग्जिस्ट करेगा। अब जो स्टार जितना बड़ा होता है वो उतनी ही जल्दी अपना फ्यूल बर्न आउट कर देता है, जिस वजह से उसका लाइफ स्पैन उतना ही कम हो जाता है, जबकि इसी के कंपैरिजन में जो छोटे स्टार्स होते हैं उनको लाइट और हीट प्रोड्यूस करने के लिए अपने कोर में बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं बर्न करना पड़ता, और इसी कारण से जहां हमारे सूरज जैसे स्टार्स महज कुछ अरब साल तक ही टिक पाते हैं, वहीं स्पेसिफिकली एक रेड ड्वार्फ स्टार कई ट्रिलियन सालों तक जलता रहता है। नाउ विदाउट एनी इंटरफेरेंस और कॉजिंग ए मेजर सोलर स्टॉर्म रिस्क टू इट्स नियर बाय प्लैनेट्स। नाउ लकीली अगर धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी खुद एक रेड ड्वार्फ स्टार है। अब इसके साइज और इसकी ब्राइटनेस को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी अभी अगले 4 ट्रिलियन सालों तक जलता रहेगा, और अपने हैबिटेबल जोन में मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट को सस्टेनेबल बनाकर रखेगा। अब हमने स्पेस ट्रैवल करना भी एक सदी पहले शुरू भी नहीं किया था, और आज हम लोग सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जा चुके हैं। अब नो डाउट कि आगे आने वाले समय में हम लोग इससे भी 10 गुना तेजी के साथ प्रोग्रेस करने वाले हैं, जहां इंटर स्पेस ट्रैवल हमारे लिए रोज का काम बन जाएगा। अब 100 सालों की प्रोग्रेस को अगर हम 4 अरब सालों के सामने रख दे तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हम किस हद तक इंटरस्टेलर स्पेस में प्रोग्रेस करने वाले हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं कि हमें अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में पहुंचने के बाद भी प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचते हुए अभी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से 8 से 10 साल का ट्रैवलिंग टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले समय में हम लोग क्या पता कोल्ड स्टोरेजेस या फिर अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ स्पैन को भी इतना एक्सीड कर ले कि 8 से 10 साल के कोल्ड ट्रैवल के बाद ह्यूमन बॉडी में फिजिकल चेंजेस ना के बराबर ही ऑब्जर्व किया जा सके। बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर ऐसे बदलाव को रोकना बेशक ही संभव है, और आगे आने वाले 50 सालों में अगर हम ऐसा देखने भी लगे तो भी कोई ताज्जुब नहीं होनी चाहिए। और रही बात हमारी और आपकी, तो अगर हमारे जिंदा रहते हुए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई जिससे किसी ह्यूमन की कॉन्सियसनेस को उसके मरने के बाद किसी रोबोटिक बॉडी में डालना पॉसिबल हो सके, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम आने वाले अनगिनत सालों तक अमर भी बने रह सकते हैं, जहां हमारी कॉन्सियसनेस वहीं पर रहेगी, बस हमारा शरीर इंटरचेंज होता रहेगा। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल ही गए, और वो ये कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सारे सुहाने सपने सिर्फ तभी संभव है अगर हम नेचर को इज्जत से रखेंगे और उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो। मगर आज के समय की बात करें तो हम केवल नेचर को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, उसे बचा तो कहीं से भी नहीं रहे हैं। जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही है, एयर पोल्यूशन हर साल का नया रिकॉर्ड बना रहा है, वाटर पोल्यूशन की वजह से गंगा नदी तक आज की डेट में दूषित होने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे भी क्लेम करती है कि हम लोग अगर इसी राह पे चलते रहे
तो आने वाले दशकों में ही मानवता छठे मास एक्सटिंक्शन को हिट कर सकती है, जिसके बाद इंसानों का एक सदी जीना भी एक परिकल्पना बन सकता है। इन्हीं कारणों से आज हम आपसे अपील करते हैं कि नेचर को बचाने के लिए अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कॉन्ट्रीब्यूट करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, आसपास सफाई बरकरार रखें और दूसरों को भी मोटिवेट करें ऐसे काम करने के लिए, ताकि अगर हमें अमर होने का मौका मिले तो कम से कम इस वजह से तो हम उस मौके को ना खोए कि हमने अपने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।